कोटले क्रिया मुति मुति काली कला मारिनी मातंगे विजया जया भगवती देवी शिवा गंभवित ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गाक्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमुत्तिनायन स्वाहा भोखा विश्वेदाह स्वस्ति नस्तार सो अरिष्ट नैमी स्वस्ति नो बृहस्पति ददास्तु आज का ये एक बहुत ही आप बोल सकते हैं कि एक मूल्यवान दिन है सोमवती अमावस्या और साथ में पोथी यात्रा हमारे संकुल में जो आज लाई गई है एक नवीन ऊर्जा सकारात्मक ऊर्जा का हमें अनुभव हो रहा है आज और उसमें जब हमें भूपेंद्र भाई जैसे एक संत आदमी जो यहाँ पर आके हमें आशीर्वाद देने के लिए पधारे तो उसमें बहुत ही बलवान सकारात्मक ऊर्जा पैदा होती है और हम मानते हैं कि इससे पूरे संकुल में एक ऐसा वातावरण बनेगा एक ऐसी ऊर्जा जो पैदा हुई है उसका हमें अनुभव होगा जिसकी वजह से हमारे आने वाले दिनों में हम बहुत अच्छा एक अनुभव करने जाएंगे। बहुत ज्यादा वक्त नहीं लूंगा ये मामले में क्योंकि यहाँ पे मैं चाहूंगा कि हमारे प्रोवोस्ट डॉक्टर डीजे सासर शास्त्री जी का स्वागत करें शाल लेके। सर ऐसे तो हम क्या अर्पण करें आपको लेकिन जो भी हमारे पास छोटी सी चीज है जैसा मैंने कहा ज्यादा वक्त नहीं लूंगा आप लोगों का क्योंकि हम लोग यहाँ पे उपेंद्र भाई शास्त्री को सुनेंगे उनका प्रवचन सुनेंगे और कुछ अच्छी बातें यहाँ से लेकर जाएंगे। तो सबसे पहले मैं अपने प्रोवोस्ट डॉक्टर डीजे सासर को विनती करूंगा कि वो आके शास्त्री जी के स्वागत में कुछ शब्द कहे। नमस्कार। सामान्य रीते शिक्षण बे प्रकार हो एक भौतिक शिक्षा अने बीजी जे आपणी रिलीजियस छे रिचुअल्स छे सामाजिक शिक्षा छे एनी अंदर धर्म पण आवरी लेवामां आवेलो छे ए शिक्षा एक कैम्पस में બંનેનું સમાગમ થાય તો એનાથી જે ચેતના મળે એનાથી સારું કદાચ કશું ન હોય છે મેં ગુરુજીનું હું ઇન્દ્રશીલ યુનિવર્સિટી ખાતે હાર્દિક સ્વાગત કરું છું અને મને ખાતરી છે કે યુનિવર્સિટી ખાતે જે શૈક્ષણિક ક્ષેત્રે અમે પ્રયત્નો કરી રહ્યા છે એની અંદર આપના બે શબ્દો આજના એને મલ્ટીપ્લાય બહુ ઝડપથી કરશે અમે સાયન્ટિફિક ભાષામાં નોર્મલી એવું કહેતા હોય કે લિનિયર ગ્રોથ ના થાય પણ એક્સપોનેન્શિયલ ગ્રોથ થાય એ ખૂબ જરૂરી છે અને મને ખાતરી છે કે આ અમારા એક્સપોનેન્શિયલ ગ્રોથ માટે ખૂબ ખૂબ મદદરૂપ રહેશે અને આપનો હૃદયથી હાર્દિક સ્વાગત। ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ સર। આપ જ્યાદા વક્ત ન લેતે હુએ મેં સીધા ગુરુજી સે વિનંતી કરૂંગા કે આપ અપને અમૂલ્ય શબ્દો ઓર પ્રાર્થના ઓર વચનો સે हमें अभिभूत करें।
विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्वदरं तन्ह आसुव। आत्मीय स्वजम, इंद्रशील यूनिवर्सिटी कड़ी के डायरेक्टर्स, फैकल्टीज और प्यारे विद्यार्थी मित्रों, उद्घोषक महोदय ने जो आरंभ में कहा बहुत अच्छी बात कही कि आज सोमवती अमावस्या के पवित्र दिन मॉडर्न एजुकेशन के साथ, मैं एंशिएंट नहीं कहूंगा लेकिन टाइम टेस्टेड विजडम आपके पास आया है। हजारों वर्षों का अनुभव पर आधारित ज्ञान शास्त्र लेकर आया हूं आपके पास, और जिस श्रद्धा से, जिस उत्साह से आपने ये शास्त्र का स्वागत किया, ये शास्त्र को पूरे कैंपस में, इंजीनियरिंग विंग, साइंस एंड फार्मेसी विंग, दिनेश भाई आपने मुझे डाउन द मेमोरी लेन, आई एम अ बीएससी विथ केमिस्ट्री ग्रेजुएट, साइंस ग्रेजुएट, तो वहां से जब मैं गुजरा और केमिस्ट्री लेबोरेटरी की जो सुगंध आई, खुशबू, व्हेन आई वाज स्टडिंग आई यूज्ड टू हैव दैट फ्रेग्रेंस एवरी सिंगल डे, और आज इतने बरसों के बाद वो खुशबू आई तो मुझे एक क्षण के लिए लगा अंदर चला जाऊं, टेस्ट ट्यूब लेकर के कुछ शुरू कर दूं केमिकल एनालिसिस, फिर मैंने रोका अपने आप को। लेकिन वो जो एक आनंद होता है स्टूडेंट लाइफ का, विद्यार्थी जीवन का, और जिसने उस जीवन का आनंद पाया है, उस पर काम किया है, वो ही जीवन में आगे सफलता की सीढ़ियां चढ़ सकता है। आज का जो हमारा विषय है, द सक्सेस मंत्र। एक बात तो बड़ी स्पष्ट है प्रिय स्वजनों, कि आप सब यहां पर आए हो सफल होने के लिए। यदि मैं आपसे प्रश्न पूछूं कि एवरीबडी सिंगल, एवरी वन ऑफ यू सिटिंग हियर, स्टूडेंट्स जो है क्यों पढ़ना चाहते हैं, यदि मैं प्रश्न पूछूं और कॉर्डलेस माइक आपके पास आए तो शुरुआत में तो बहुत सयानी सयानी बातें आप करोगे, टू गेन नॉलेज, टू नो समथिंग, टू डू रिसर्च। लेकिन यदि मैं पूछता जाऊं व्हाई डू यू वांट टू गेन नॉलेज, तो अल्टीमेटली एक बात आएगी कि यू वांट टू बी सक्सेसफुल इन लाइफ, यू वांट टू बी हैप्पी इन लाइफ। हमारी फैकल्टीज है, रिस्पेक्टेड प्रोफेसर्स, उनसे भी यदि कहा जाए कि क्यों आते हो आप, जॉब है, टीचिंग करना है, क्यों करना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू शेप द फ्यूचर ऑफ दिस कंट्री, टू शेप द फ्यूचर ऑफ द स्टूडेंट्स, अच्छी बातें हैं ये सब, बट अल्टीमेटली वाई 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 यदि पूछता जाऊं तो अंतिम बात आएगी, वी वॉन्ट टू बी सक्सेसफुल इन लाइफ, वी वॉन्ट टू बी हैप्पी इन लाइफ। हैप्पीनेस एंड सक्सेस गो टूगेदर, हैंड इन हैंड। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं हो सकता वो कहेगा कि आई एम अ फेलियर इन लाइफ एंड स्टिल आई एम हैप्पी। ऐसा कोई हो सकता है, कोई क्रिकेटर ऐसा कह सकता है, जीरो रन में आउट हो गया बट आई एम हैप्पी, तो लोग कहेंगे निर्लज्ज आदमी हो, बेशरम आदमी हो, पहली बॉल में आउट हो गए और कहते हो आई एम हैप्पी। सुखी व्यक्ति सफल होने का दावा कर सकता है, सफल व्यक्ति सुखी होने की बात कर सकता है, जो व्यक्ति जीवन में सुखी नहीं है वो सफल भी नहीं हो सकता, और जो सफल नहीं है वो सुखी भी नहीं हो सकता। You all want to be happy, you all want to be successful. Am I right?
Am I right? Are we in speaking terms, by the way? આપણે અબોલા તો નથી લીધા ને, આમ કિટ્ટા કરીને બેઠા છીએ. મેને આપકે સાથ કિટ્ટા નહીં કી, ઓર યદી આપને માન લિયા હો કે મેને કિટ્ટા કી, તો આપ સભી કો બુચ્ચા. અબ મુજે ઉત્તર દીજીએ, ડુ યુ વોન્ટ ટુ બી સક્સેસફુલ ઇન લાઈફ? યસ. ડુ યુ વોન્ટ ટુ બી હેપી ઇન લાઈફ? યસ. ધેન હિયર આઈ એમ ફોર યુ, બ્રિંગિંગ ધ વિઝડમ. प्रिय स्वजनों याद रखो, जीवन में सफल होना होगा तो पहले तो प्रोएक्टिव बनना पड़ेगा. मैं मेरे सेमिनार्स में, आपको पता नहीं होगा कि यहां माइक जब आया शुरू किया तब शुरू नहीं होता है मेरा सेमिनार, मैं रूम में आता हूं तब से शुरू हो जाता है, बिकॉज आई स्टार्ट स्कैनिंग यू, ईच वन ऑफ यू, और फिर मैं अरेंज करता हूं कि मुझे क्या मैसेज देना है. छोटा सा प्रश्न मैंने पूछा कि आप में से चार लोग, मैं नाम भी जानता था, यदि मैं कहता तो हमारे मनीष भाई से मैं कह सकता था, हमारे दिलीप भाई से कह सकता था, हमारे सुखदेव से कह सकता था, मैं सुनील भाई ठीक बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, आदरणीय हैं, लेकिन इनसे तो मैं कह सकता था ना, और उनकी या तो दिलीप भाई को नजदीक बुला करके मैं कह सकता था, दिलीप भाई जरा तीन लोगों को लाओ, जरा तुम्हारे साथ ये कर दो नजदीक. क्यों मैंने यहां से अनाउंस किया कि चार लोग आओ? I wanted to see how many of you are proactive. प्रिय स्वजन आप खड़े हो गए, मैंने दो बार आपको बैठने का इशारा किया और उस वक्त भी मैं ऑब्जर्व कर रहा था. सब खड़े हो गए, रिस्पेक्ट से बहुत अच्छी बात है. मैंने जब आपको इशारा किया कि बैठ जाओ, आप में से कुछ लोग जो खास करके आगे खड़े थे वो पीछे देखने लगे, वो बैठते हैं कि नहीं, तब मैं बैठू. अरे मैंने कहा बैठो बैठो. Why do you want to imitate others? Why do you want an assurance from others whether your action is right or not? जीवन में सफल होने के लिए प्रिय स्वजनों ये पहली बात है, you have to be proactive, you have to be leader, you have to have the courage to be a leader. दूसरा करे तो मैं करूं, ये तो भेड़ बकरियों का वास है. जीवन में जिसको सक्सेसफुल होना है उसको डिसीजन लेने आना चाहिए. बहुत संक्षेप में बात करूंगा. द वर्ड सक्सेस इटसेल्फ गिव्स द मंत्र फॉर सक्सेस. सक्सेस का स्पेलिंग क्या है कौन बताएगा? एक हाथ ऊपर था जो. यस बेटा बोल. हाँ, यू आर यस दैट वाइट. हो जा खड़ी बेटा, तूने हाथ ऊपर किया तो खड़ी हो जा. हाँ, अब देखो दूसरे के सामने देखती है वो. हाँ बोल, सक्सेस का स्पेलिंग बेटा. बोल लो एक बार फिर से जोर से. एस परफेक्ट. एस यू डबल सी ई डबल एस, करेक्ट. बैठो बेटा. अब यह जो है वो इट इज एक्चुअली एन एक्रोनिम, शॉर्ट फॉर्म है. इसके सारे अक्षरों को यदि आप समझ पाओ तो यह सक्सेस शब्द स्वयं अपनी फॉर्मूला देता है. मैंने कहा ना, मैं बीएससी केमिस्ट्री, ये फॉर्मूला रटना बड़ा मुश्किल काम होता था, और वो सब रटने के लिए फिर मैं शॉर्ट फॉर्म. अब सारे लोग अपने अपने तिकड़म बजाते हैं परीक्षा में पास होने के लिए, ये सारे पॉइंट्स कैसे याद रखें. तो ये सक्सेस शब्द भी ऐसा है, वो पूरे सक्सेस का मैप दे देता है. पहला है एस. प्रिय स्वजनों, इफ यू वॉन्ट टू बी सक्सेसफुल, यू have to set a goal. पहला जो S है, it is set a goal. जब तक आपके जीवन में कोई गोल नहीं है, कोई ध्येय नहीं है, तब तक व्यक्ति सक्सेसफुल नहीं हो सकता. मोस्ट पीपल एवरेज आउट इन लाइफ सिंपली बिकॉज दे डू नॉट नो what दे वॉन्ट टू डू. मैं एक बनी हुई घटना आपसे कहूं. 20-25 वर्ष पहले की बात है, मुंबई के एक स्कूल में मुझे निमंत्रण था.
प्रवचन देने के लिए। और जब भी यंग जनरेशन के लिए कुछ करना होता है तो मुझे बड़ा आनंद आता है, बिकॉज आई बिलोंग टू दिस जनरेशन। और मुझे हमेशा लगा है कि इफ यू वांट टू प्रिजर्व रिलीजन, इफ यू वांट टू रियली हैव बेनिफिट्स ऑफ स्पिरिचुअलिटी, यू हैव टू कम्युनिकेट इट टू द यूथ्स। बड़े बुजुर्ग जो है ना, वो तो अब चाहें तो भी बिगड़ नहीं सकते। वो यदि तय भी करें कि अब बिगड़ना है तो बहुत ज्यादा स्कोप नहीं है उनके पास। तो जो भी करना है वो यंग जनरेशन को करना है। और अनफॉर्चुनेटली हुआ ये है, कल ही मैं एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी के डायरेक्टर के साथ बात कर रहा था, भावनगर की ज्ञान मंजरी यूनिवर्सिटी, इनोवेटिव यूनिवर्सिटी के मनसुख भाई नाकराणी, वो मेरे साथ में थे, उनके साथ में डिस्कशन कर रहा था। कुछ उन्होंने कहा कि उनके पास कुछ 22,000-25,000 स्टूडेंट्स हैं। समस्या क्या है प्रिय स्वजनों, की यंग जनरेशन इज ड्रिफ्टिंग अवे फ्रॉम रिलीजियन एंड स्पिरिचुअलिटी, एस्पेशली द स्क्रिप्चर्स। इट्स नॉट दैट यू डोंट बिलीव इन गॉड, यू डू, लेकिन भय से, लालच से, परीक्षा में पेपर अच्छा जाए इसलिए जरा भगवान को, रिजल्ट आने वाला हो उस दिन जरा घर में मम्मी कुछ भगवान के सामने करना, कुछ नारियल फोड़ना, कुछ प्रसाद चढ़ाना, क्यों आज रिजल्ट आने वाला। ये डर के मारे हैं, या तो लालच से है, जॉब की इंटरव्यू के लिए जाना है तो कुछ मंदिर में चले जाएं, कुछ पूजा कर लें। ये बुरी है ऐसा मैं नहीं कहूंगा, इट इज अ गुड बिगिनिंग, बट इट कैन नॉट द सेम फॉर एवर, इट कैन नॉट बी द सेम फॉर एवर, इट हैज टू चेंज, इट हैज टू इवॉल्व। प्रिय स्वजनों, यंग जनरेशन यदि शास्त्रों में इंटरेस्ट ले, होता क्या है, अरे वो तो पुराने पढ़ गए ना, ओल्ड स्क्रिप्चर्स, ओल्ड नहीं है, हमारे पुराण हैं। पुराण शब्द की व्याख्या संस्कृत ग्रामर से होती है, पुरा अपि नूतनम तत् पुराणम। यस इट इज ओल्ड बट इट इज नॉट ऑब्सोलीट, इट इज स्टिल कंटेम्पररी। दिस आइडियाज आर यूनिवर्सल, दे आर ऑलवेज फ्रेश। इफ यू आर रेडी टू टेक द मैसेज फ्रॉम इट, दे आर अनएंडिंग, दे आर इनएग्जॉस्टिव। श्रीमद् भागवत हो, भगवद गीता हो, रामायण हो, महाभारत हो, वेद, उपनिषद, खजाना है प्रिय स्वजनों ये, और यंग जनरेशन को इसकी आवश्यकता है। ये सफल होने के लिए प्रिय स्वजनों आपको गोल रखना पड़ेगा जीवन में कि मुझे कुछ बनना है। तो मैं जो बात कर रहा था 25 वर्ष पहले मुंबई के एक स्कूल में इनविटेशन यंग जनरेशन के लिए, मुझे हमेशा अच्छा लगता है। यहां भी जब मुझे बताया कि स्टूडेंट से मिलना है, मैंने कहा आ जाऊंगा मैं। सुबह जल्दी उठकर हम दौड़का से 7 बजे स्टार्ट हो गए यहां पहुंचने के लिए 9 बजे, और यहां आपके पास 1 घंटा बैठकर वापस 2 घंटे की जर्नी करके पहुंच के वहां फिर शाम को मुझे प्रवचन है। इट इज एग्जॉस्टिव बट स्टिल आई डोंट माइंड इट। व्हाई? बिकॉज आई वॉन्ट टू कम्युनिकेट टू द यूथ्स। तो वहां भी मैं जा रहा था, 8, 9, 10, 11, 12 ये सब स्टूडेंट्स थे। मुझे बताया गया था कि कुछ 1500-2000 स्टूडेंट्स होंगे और फ्राइडे की असेंबली होती है ना, आप सब स्कूल में रहेंगे तो आपको पता होगा फ्राइडे असेंबली, उसके लिए मैं जा रहा था। जाते समय मैं गाड़ी में सोच रहा था कि हाउ एम आई गोइंग टू एड्रेस दिस यंग जनरेशन। तो मन में ऐसा विचार आया कि बोलूंगा खिलते हुए गुलाब के पुष्प के समान, मेरे प्यारे विद्यार्थी मित्रों, ऐसा कुछ सोचा था मैंने। अब वहां जाकर मैंने देखा तो थे 2,000-2,500 जितने स्टूडेंट सामने बैठे थे, लेकिन सब एकदम ऐसे कड़क होकर के प्लास्टिक के फूल जैसे, और मैंने सोचा था खिलते हुए गुलाब जैसे और यहां सब प्लास्टिक जैसे। बाद में मुझे पता चला कि दैट वॉज नॉट माई फॉल्ट, वो समस्या ही थी। यहाँ पर तो इतना शॉर्ट एंड स्वीट कर दिया इंट्रोडक्शन, कई जगह हम फंक्शन में जाते हैं तो इंट्रोडक्शन इतना लंबा चलता है,
सब कुर्सियां लगी थी, 5-7 इधर 5-7 इधर, ट्रस्टीज, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, ये वो, और सब आके कुछ ना कुछ बोले जा रहे हैं, हमारे स्कूल ऐसी, हमारे स्कूल 100% रिजल्ट आती है, हमारे स्कूल के ऐसे ऐसे पास विद्यार्थी स्टूडेंट्स हैं, ये है वैसा है। इंट्रोडक्शन मेरा इतना लंबा करके दिया, मैंने कहा मैं सब जानता हूं मेरे बारे में। और फिर वो प्रिंसिपल एंड वाइस प्रिंसिपल पास में बैठे हुए और वहां कहा, अब पूज्य श्री भूपेंद्र भाई पंड्या जी गुरु जी आपके सामने दो शब्द बोलेंगे। मैंने कहा दो शब्द के लिए ही समय रखा आपने, बाकी तो आप सब बोल गए। लेकिन यहां आई कॉन्ग्रेचुलेट यू, आपने बहुत शॉर्ट एंड स्वीट पूरा कर दिया। फिर जब माइक मेरे पास में आया, आंख बंद करके मैंने प्रार्थना की, बोलने की जब शुरुआत की तो देखा ये सब प्लास्टिक के फूल। बाद में मुझे पता चला कि भूल मेरी नहीं थी, ये मेरे पास में दो अल्सेशन बैठे थे ना, यहां नहीं है इसलिए कह सकता हूं, क्योंकि उनकी नजर ऐसे स्टूडेंट्स के ऊपर घूम रही थी और मेरे जाने से एक हफ्ते पहले वहां पर अनाउंसमेंट हो रही थी। फ्राइडे मॉर्निंग जो असेंबली है उसमें बाल काट के आना, तेल डाल के आना, लड़कियां दो चोटी बना करके रिबन डाल के आए, नाखून काट के आना, शू पॉलिश करके आना, कपड़े इस्त्री करके आना। बच्चे बेचारे डर गए थे, न जाने कौन आने वाला है, और उनके लिए तो स्कूल की प्रतिष्ठा का प्रश्न था। अब मैंने जब बोलना शुरू किया तो सब ऐसे देख रहे तक तक के मेरे सामने, और मैंने कहा एक घंटे तक बोलना है, सब ऐसे कड़क होके बैठेंगे तो कैसे। आई ऑलवेज वॉन्ट अ वेरी जोवियस एटमोसफियर बिकॉज आई वॉन्ट टू कम्युनिकेट विथ यू। जब बात करनी हो, अब देखिए आप 5-7 दोस्तों के साथ बैठे हो, एक व्यक्ति बोला जा रहा है, बाकी सब तो मजा आएगा आपको संवाद करने का। मैं आपके पास लेक्चर झाड़ने के लिए नहीं आया, मैं आपकी भाषा बोल रहा हूँ अभी, मैं लेक्चर झाड़ने के लिए नहीं आया हूँ, मैं आपके साथ कुछ बातें करने के लिए आया हूं, मैं आपसे कुछ संवाद करने के लिए आया हूं, आई एम हियर टू कम्युनिकेट। और वो तभी होगा जब चेहरे प्रसन्न हो, एक रिसीविंग मेंटालिटी में हो। वातावरण को कुछ हल्का फुल्का करने के लिए मैंने वहां एक प्रश्न पूछा कि प्यारे विद्यार्थी मित्रों, आप में से किसी ने तय किया है कि आप क्या बनना चाहते हो? बाकी सब तो एक दूसरे की तरह देखते रहे, कुछ 5-7 लोगों ने हाथ ऊपर किया। मैंने एक एक को खड़ा करके पूछा तो एक ने कहा मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, दूसरे ने कहा मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ, तीसरे ने कहा मैं वकील बनना चाहता हूँ, चौथे ने कहा मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहता हूँ, पांच ने कहा मैं पायलट बनना चाहता हूँ। एक लड़का बिल्कुल मेरे सामने बैठा था और यूं देख रहा था एकदम, मैंने सोचा ये छाती पे बैठा है और एक घंटे तक ऐसे तक तक के देखेगा। मैंने उसे खड़ा होने के लिए कहा, मैंने कहा बेटा तूने कुछ तय किया है, तू क्या बनना चाहता है? वो खड़ा हुआ, कहने लगा मैंने तो अभी तक तय नहीं किया, लेकिन जिस तरह से सब चीजें चल रही है मैं पागल निश्चित बन जाऊंगा। मैंने कहा क्यों भले आदमी तू ऐसा कह रहा है? नहीं तो क्या, मेरी मम्मी कहती है तू डॉक्टर बन, मेरे पापा कहते हैं तू इंजीनियर बन, मेरे चाचा कहते हैं तू चार्टर्ड अकाउंटेंट बन, मेरे मामा कहते हैं तू पायलट बन, मैं एक साथ में डॉक्टर इंजीनियर चार्टर्ड अकाउंटेंट और पायलट नहीं बन सकता, और बनने की कोशिश भी करूंगा तो मैं पागल निश्चित बन जाऊंगा। मैंने कहा देयर यू आर, जब तक तूने तय नहीं किया है तब तक सब लोग अपना अपना गोल तुझे देंगे, और एक बार तू तय कर ले कि मुझे ये बनना है देन एवरीबॉडी विल कंट्रीब्यूट टू योर गोल। एक बार तू तय कर ले कि मुझे इंजीनियर बनना है तो अभी जो मम्मी कहती है कि डॉक्टर बन, वो देख लेगी कि तूने तय किया है कि तू इंजीनियर बनना चाहता है, तो मम्मी कहेगी बेटा एक काम कर सकता है तू, कैन यू बी ए जेनेटिक इंजीनियर, उसमें थोड़ा मेडिकल साइंस भी आ जाएगा। जो चाचा तुझे कहते हैं कि चार्टर्ड अकाउंटेंट बन, वो चाचा कहेगा कि तुझे जेनेटिक इंजीनियर यदि बनना है तो इतने कोर्स कर ले, इतने सर्टिफिकेट ले ले, तुझे एडमिशन के लिए अच्छा होगा। जो मामा तुझे पायलट बनाना चाहते हैं वो तय कर देख लेंगे कि तूने तय कर लिया, यू हैव सेट अप योर गोल, तो वो मामा फिर कहेगा ये यूनिवर्सिटी अच्छी है, यहां तू एडमिशन ले, यहां जेनेटिक इंजीनियरिंग वर्ल्ड बेस्ट है। नाउ एवरीबॉडी विल कॉन्ट्रीब्यूट टू योर गोल।
एक सिद्धांत याद रखना प्रिय सज्जनों, व्हेन यू डोंट हैव योर ओन गोल यू वर्क टुवर्ड्स फुलफिलिंग अदर्स गोल्स। जब तुम्हारे जीवन में अपना ध्येय नहीं होता तो तुम दूसरों का ध्येय पूरा करने के लिए काम करते हो, और जब अपना ध्येय सेट करते हो तो दूसरे लोग जो आपके वेल विशर्स हैं, आपके बड़े बुजुर्ग हैं, आपके साथी हैं, कलीग्स हैं, वो सब आपके गोल को पूरा करने की मदद करेंगे। तो सक्सेसफुल होने के लिए सबसे पहली बात, सेट अ गोल। दूसरी बात, यू नीड टू हैव एन अल्टीमेट फेथ इन योर गोल। यू है ना, एस के बाद यू मींस अल्टीमेट फेथ इन योर गोल। इट्स नॉट जस्ट फेथ, अल्टीमेट फेथ। जब तक हमें अपने गोल में श्रद्धा न हो तब तक वो केवल स्वप्न बना रहता है, शेखचल्ली बना रहता है, तरंग रहते हैं। और ऐसे तो सभी व्यक्ति को क्रिकेट की सीजन चल रही हो तो लगता है क्रिकेटर बन जाए, फिर बनता है क्रिकेटर बनने के लिए तो मैदान में जाके खड़ा रहने पड़ेगा, इतने फास्ट बॉल का सामना करना पड़ेगा, उससे अच्छा तो ये ना करें कि बैठे बैठे कुछ जुआ खेल ली जाए। यू हैव टू हैव अल्टीमेट फेथ इन योर गोल डियर फ्रेंड्स, अदरवाइज वो केवल शेख चल्ली का स्वप्न बन जाएगा, तरंग बन जाएंगे। यू है अल्टीमेट फेथ इन द गोल, एंड दैट अल्टीमेट फेथ इन योर गोल विल गिव यू कमिटमेंट टूवर्ड्स इट। सी इज फॉर कमिटमेंट, यू हैव टू बी कमिटेड। कई लोग जीवन में गोल तो सेट करते हैं लेकिन कमिटमेंट नहीं आता, उसके लिए कुछ करने की तैयारी नहीं आती। मेरी दादी माँ एक कहानी सुनाती थी शेख चल्ली की, सपने देखना है लेकिन कुछ करना नहीं है। शेख चल्ली था एक, कुछ आता जाता था नहीं, बड़े बड़े सपने देखते रहता था, ये करूंगा वो करूंगा ऐसा करूंगा। मजदूरी करता था, रेलवे स्टेशन पे बैठा था, कोई ट्रेन में से उतरा और पुराने समय की बात, घी का घड़ा, मिट्टी का घड़ा, उसमें घी भरा था। उसने कहा इधर आ, ये घड़ा उठा ले मेरे घर तक, 10 रुपए दे दूंगा। उसने कहा वो हो, 10 रुपया मिले, घड़ा उठा के चलने लगा। अब घड़ा उठा के जब चलने की उसने शुरुआत की और शेख चल्ली ने अपना तरंग भी चालू कर दिया कि ये सेठ का घी का घड़ा मैं उसके घर तक पहुंचा दूंगा, 10 रुपया मिलेगा, वाह वाह 10 रुपए से क्या करूंगा, कुछ बड़ा करना चाहिए, क्या करूंगा। उसने कहा ये 10 रुपए से मैं एक मुर्गी खरीदूंगा, फिर वो मुर्गी अंडा देगी, उस अंडे में से और मुर्गियां आएगी, 1 के 10 मुर्गियां होगी, फिर और अंडे आएंगे, फिर और मुर्गियां बढ़ेगी, फिर तो मैं वो बेचूंगा, फिर तो बड़ा हो बहुत बड़ी पोल्ट्री हो जाएगी मेरी, फिर तो उसके लिए छोटी ज़मीन में तो रहेगी नहीं, बहुत बड़ी ज़मीन भी मुझे लेनी पड़ेगी पोल्ट्री फार्म के लिए, इतनी सारी मुर्गियाँ होगी, इतने सारे अंडे बिकेंगे, इतना सारा ये होगा, ओ हो फिर क्या करूँगा, मेरे पास तो कितने सारे पैसे हो जाएंगे, फिर एक बहुत बड़ा मकान बनाऊँगा, इतना भव्य मकान बनाऊँगा, इतना सुंदर अंदर फर्नीचर कराऊँगा, ये सब होगा, फिर ये मकान होगा तो फिर पत्नी तो कितनी सुंदर मिलेगी, इतना भव्य मकान होगा, एक इतनी सुंदर पत्नी के साथ विवाह करूँगा, और फिर जो जीवन में आहा सुख, फिर तो बच्चे भी होंगे 3-4 तो होंगे, और इतने बड़ा घर होगा, बड़ा कंपाउंड, कंपाउंड में छोटे छोटे सुंदर बच्चे खेलते होंगे, और इतना बड़ा कारोबार निपटा करके फिर मैं जब आऊँगा घर पे नोटों की गड्डियाँ ले ले करके, और फिर वहाँ पत्नी मुझे पूछेगी कि आ गए, और मैं उनसे कहूँगा हाँ आ गया, और आ गया ऐसे कहा तो मिट्टी का जो घड़ा था घी का वो गिरा नीचे फूटा, घी मिट्टी में मिल गया। सेठ जो था उसने डांटा, अरे मूर्ख ये तेरा मुरा शुद्ध घी मिट्टी में मिला दिया। ये कहता है
कि आपका तो केवल घी मिट्टी में मिला, मेरी तो पीली जिंदगी मिट्टी में मिल गई। कितने बड़े बड़े सपने सजा के रखे हैं इसने। अब देखो, इसको ध्येय नहीं कहेंगे, इसको गोल नहीं कहेंगे। Once you set a goal and you have ultimate faith in your goal, you have to be committed, you have to be prepared to work for it. उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। और वो commitment कैसे आता है? इसके लिए सबसे पहली बात है clarity of thought. जिसकी thought में clarity हो, वही अपने जीवन के मार्ग पर गतिमान हो सकता है। देखिए, जीवन बिताना वो एक बात है, और जीवन को चलाना, टू बी इन द ड्राइवर सीट, इज अ डिफरेंट थिंग ऑल्टुगेदर। इट्स अ डिफरेंट बॉल गेम ऑल्टुगेदर। उसके लिए आपके पास क्लैरिटी ऑफ थॉट होना चाहिए। दूसरा, कंसिस्टेंसी चाहिए। तो ये दूसरा जो सी है ना, SUCC, वो है क्लैरिटी ऑफ थॉट एंड कंसिस्टेंसी। और वो होने के बाद कंसिस्टेंसी भी, सातत्य चाहिए। किसका? इज एफर्ट्स, प्रयास का सातत्य। योग दर्शन में भगवान पतंजलि कहते हैं, प्रिय स्वजनों, मैं बहुत सीरियसली सोच रहा हूं कि हमारे सभी कॉलेजेस में पतंजलि योग दर्शन का अभ्यास होना चाहिए। आपको योग, अब लोग योग भी नहीं कहते, योगा कहते हैं। हम सब वो अंग्रेजों के हो गए ना, स्लेविश मेंटालिटी, YOGA, तो योगा, योगा नहीं है वो, योग है। बेचारे वो बोल नहीं सकते तो उन्होंने योगा किया, उन्होंने किया तो उसके पीछे हम जो बोल सकते तो उन्होंने भी योगा कर दिया। सबके पीछे आ आ लगाते हो तो वो तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। संस्कृत व्याकरण में किसी भी नाम को अ के बदले आ कर दो तो वो फेमिनिन जेंडर हो जाता है, स्त्रीलिंगी हो जाता है। लोग मंत्र भी, कितना प्रसिद्ध मंत्र है, कितना सुंदर मंत्र है, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। अब ये गोरे लोगों के पीछे चलकर लोगों ने वो मंत्र भी, हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा भी नहीं बोलते, कृष्णा। कृष्णा क्या है? कृष्णा जैसा कोई शब्द है ही नहीं संस्कृत में। है जो शब्द वो कृष्ण है, लेकिन वो बोलते हैं हरे कृष्णा 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 हरे हरे, ऐसे बोलते हैं ना। ये फेमिनिन जेंडर हो गया। राम तो भगवान है, मर्यादा पुरुषोत्तम है, कृष्ण भगवान है, लेकिन राम के बदले रामा कर दो तो संस्कृत में रामा का अर्थ है सुंदर स्त्री, एन अट्रैक्टिव लेडी, अ ब्यूटीफुल लेडी। संस्कृत में रामा का अर्थ होता है ब्यूटीफुल लेडी। लोग कहते हैं मंत्र जाप करते हैं, परिणाम नहीं मिलता। कैसे मिलेगा? हरे राम 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 हरे हरे बोलोगे तो हे राम ऐसा हुआ। ये तो हरे रामा मंत्र क्या गाए, ओ ब्यूटीफुल लेडी। अब राम क्यों देखे आपके सामने? यू आर कॉलिंग अ ब्यूटीफुल लेडी। और कृष्ण भगवान है, पूर्ण पुरुषोत्तम, और कृष्णा करो तो फेमिनिन जेंडर हो गया, स्त्रीलिंगी हो गया। और कृष्णा का अर्थ है वीटिश कॉम्प्लेक्शन वाली स्त्री। कृष्ण अर्थात वीटिश कॉम्प्लेक्शन, जो अपना इंडियन कॉम्प्लेक्शन यूजुअली रहता है, श्याम। और आ करो तो फेमिनिन जेंडर, ओ लेडी विथ अ वीटिश कॉम्प्लेक्शन, ओ लेडी विथ अ वीटिश कॉम्प्लेक्शन। कृष्ण क्यों आएंगे आपके पास? तो सबके पीछे आ लगाना ये पागलपन है। योग के पीछे भी योगा कर दिया। योग दर्शन है, और योग केवल, इट इज नॉट सेट ऑफ एक्सरसाइजेस। हमने योग का अर्थ, मैं योगा करता हूं, पहले तो बोलो मैं योग करता हूं, और उसका भी केवल एक्सरसाइज, कुछ प्राणायाम की टेक्निक, इतना ही नहीं है। प्रिय स्वजनों, योग दर्शन की जो मैं बात कर रहा हूं, यूज टू जॉइन, उसके पर से शब्द बना है योग। आज के
सबसे बड़ी समस्या यह है प्रिय स्वजनों, वी आर डिसकनेक्टेड। सोशल मीडिया का जो जमाना है उसमें वी फील एक प्रकार की भ्रांति, एक इल्यूजन खड़ा होता है। वर्चुअल वर्ल्ड में जी रहे हैं उसमें क्या होता है, वी फील दैट वी आर कनेक्टेड विद द वर्ल्ड। द फैक्ट इज दैट वी आर डिसकनेक्टेड विथ अवर ओन सेल्फ एंड विथ अवर ओन पीपल। अपने से और अपनों से हम डिसकनेक्टेड हुए जा रहे हैं। मजाक में मैं कई बार दृष्टांत देता हूं कि हम उस समय में जी रहे हैं कि पति पत्नी एक दूसरे को स्पर्श कर सकते हैं लेकिन एक दूसरे के फोन को स्पर्श नहीं कर सकते। पति पूछने की हिम्मत भी नहीं कर सकता पत्नी से कि तेरे फोन का पासवर्ड क्या है। पूछेगा भी ना तो ऐसे देखेगी, हाउ डेयर यू, ये तेरी हिम्मत कैसे हुई है पूछने की। वी आर डिस्कनेक्टेड प्रिय सुजन। परिवार के पांच लोग कभी साथ में बैठकर बातें नहीं करते। कोई मैसेज हो तो क्या फैमिली ग्रुप बनाने, ग्रुप में रखी दे, व्हाट्सएप ग्रुप में रखी दे, फैमिली ग्रुप में सामने बैठे हो। व्हाई डोंट यू टॉक टू योर फैमिली मेंबर्स, व्हाई डोंट यू टॉक टू योर ओन पीपल। ये डिस्कनेक्शन है और ये डिस्कनेक्शन बहुत बड़ी बीमारी है, वो व्यक्ति को भीतर से तोड़ता जाता है। योग वो व्यक्ति को जोड़ता है, स्वयं से जोड़ता है, अपने से जोड़ता है और अपनों से जोड़ता है। इसलिए जो योगी है ना वो सभी को अपना। आधे घंटे पहले जब बात मैंने शुरू की तब आपको लगा होगा कि ये तो कोई पराये हैं, पता नहीं कौन महाराज जी आए हैं क्या है, लेकिन मैंने आपसे जो बात शुरू की एज इफ आई नो यू सिंस एजिस, आप में से कोई भी मेरे लिए पराया था ही नहीं। क्यों? क्योंकि मैं योगी हूं, क्योंकि मैं योग का अभ्यास करता हूं, मैं आप सभी की आत्मा से जुड़ा हुआ हूं, मैं आपसे अलग नहीं हूं। योग दर्शन ये करता है, कनेक्ट करता है हमें। तो ये चाहिए प्रिय स्वजनों, एफर्ट्स विथ एफिशिएंसी। योग की शक्ति हमारे प्रयत्नों को मजबूत बनाती है। और जो अंतिम दो एस हैं वो है एक सिंसियरिटी। सिंसियरिटी को दूसरे शब्द में यदि कहें तो डिसिप्लिन। इफ यू वांट टू बी सक्सेसफुल इन लाइफ प्रिय स्वजनों, जीवन में अनुशासन होना चाहिए। करेंगे तो करेंगे ही, उसके लिए फिर जो करना पड़े। शाम सुबह 5 बजे उठना है, उठेंगे। कुछ लोगों को अर्ली मॉर्निंग फ्लाइट हो या अर्ली मॉर्निंग ट्रेन हो ना, 3 दिन से उनका टेंशन शुरू हो जाता है। सुबह उठना पड़ेगा, उठना पड़ेगा, उसमें क्या है। हमसे तो उठा नहीं जाता, फिर तो हमारा पूरा दिन, तेरे पूरा दिन नहीं तेरी पूरी जिंदगी बेकार जाती है। फिर इफ आई हैव टू गेट अप, आई हैव टू गेट अप, एक्सेप्ट इट, यू हैव टू हैव डिसिप्लिन। प्रातःकाल 5 बजे उठना है अर्थात उठना है। नहीं नहीं हम तो उठ जाते हैं, क्यों? क्योंकि 7 बजे यूनिवर्सिटी पहुंचना है। संडे के दिन आपकी स्थिति क्या होती है, छुट्टी में आपकी स्थिति क्या होती है, वेकेशन में 10 बजे तक, मम्मा आज तो संडे है, 10 बजे तक उठेंगे नहीं, 12 बजे तक नहाएंगे नहीं, बिना नहाए चाय पिएंगे, गंदे लोग। यू हैव टू हैव डिसिप्लिन। डिसिप्लिन मेक्स यू स्ट्रॉन्गर इंटरनली प्रिय स्वजनों। ये सिंसियरिटी होगी तो अनुशासन अपने आप आ जाएगा। और लास्ट फिर जो एस है प्रिय स्वजनों वो है सेटिस्फेक्शन विथ रिजल्ट्स। ये भी बहुत आवश्यक है। 100% एफिशिएंसी के साथ, 100% इन्वॉल्वमेंट के साथ
प्रयास किया है, पुरुषार्थ किया है. नाउ द रिजल्ट इज इन द हैंड्स ऑफ द ऑलमाइटी. फिर जो परिणाम आए उसको स्वीकारने के लिए तैयार हो. यह सक्सेस के लिए बहुत आवश्यक है. कई लोग ऐसे हैं जो परिणाम का स्वीकार नहीं कर सकते दोनों तरफ से. अच्छा परिणाम आए तो भी स्वीकार नहीं कर सकते और बुरा आए तो बात ही अलग. लोग जीवन में सुख भी स्वीकार नहीं कर सकते, दुख भी स्वीकार नहीं करते. जरा भी सुख आया तो ओ इतने पागल जैसे हो जाते हैं. मैं कल ही कथा में कह रहा था ना, कल कथा में कहां कहा मैंने, वो जो हु वाला है ना आजकल, कोई अच्छा कुछ परफॉर्मेंस करे, कुछ अच्छे ये करे, बर्थडे पार्टी हो, किसी ने कुछ 5-7 मिनट का तो वेडिंग में, वो संगीत में किसी ने कुछ 5-7 मिनट का, कुछ गाने के ऊपर, फिर जो लोग आगे खड़े थे ये क्या है पागलपन, ये पागलपन पिछले 5-10 साल में आया है, पहले नहीं था भारतीय समाज में, करके. मैं जब छोटा था गांव में रहता था तो उस समय ऐसा कहा जाता है कि रात के समय कुत्ते ऐसा करते, और वो जब ऐसा करे तो माना जाता था कि कल गांव में कोई जाएगा. बराबर है ना. तो अब ये तो अच्छे अच्छे प्रसंग में सब. अब मैं ये नहीं कहूंगा जो पूछ वाले हैं, लेकिन वो सब करके न सुख को सहन कर सकते हैं न दुख को सहन कर सकते. सुख के समय छलक मत जाओ, दुख के समय टूट मत जाओ, बिखर मत जाओ. लोग दुख भी सहन नहीं कर सकते. जरा सी एडवर्सिटी आई तुरंत डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, सुइसाइडल एटीट्यूड्स. राजस्थान के कोटा में दिनेश भाई मेरी कथा थी, प्रवचन थी, और फिर वहां कोटा तो आपको पता है वो तो वो क्या फैक्ट्री मानी जाती है ना वहां, कोटा फैक्ट्री, हाँ, आईआईटी और मेडिकल सब सब जगह थी. तो वहां जो स्टूडेंट्स की हॉस्टल थी वहां पर चरण रखने के लिए मुझे पदरामनी और आशीर्वाद देने के लिए मैं जब रूम में गया, आश्चर्य हुआ वहां फैन के ऊपर जाली लगाई थी, ग्रिल फैन के ऊपर. वो शॉक, मैंने कहा फैन के ऊपर गिली कौन चुरा के ले जाने वाला है, ये तो सब स्टूडेंट्स हैं बड़े बड़े अच्छे अच्छे घरों से आए हुए, बड़ी बड़ी फीस पे करते हुए आईआईटी में जो जाना चाहते हैं इंजीनियरिंग, ये कोई पंखा चुराने की बात करेंगे 400-500 रुपए का, क्यों इसके ऊपर ग्रिल लगानी पड़ती है. तो उन्होंने कहा कि गुरुजी ये पंखा चुरा के ले जाएंगे इसके लिए नहीं, रिजल्ट जब आता है तो उसके पहले जब या तो रिजल्ट आने के बाद ऐसी घटना यहां बनती है, लंग लटक जाते हैं पंखे के ऊपर. दैट वाज सच अ सैड सिचुएशन. एडवर्सिटी भी स्वीकार नहीं कर सकते. 2-3 हफ्ता किसी के साथ घूमे फिरे, कुछ मीठी मीठी बातें हुई, इलू इलू, और 3 हफ्ते में कोई कुछ तकलीफ हो गई, बर्थडे आया और उसको याद नहीं रहा या कुछ गिफ्ट नहीं दी, यू डोंट रिमेंबर माई बर्थडे, आई हेट यू, टूटा. और जो टूटा गया डिप्रेशन में चला गया. पहले के जमाने में भी होता था ऐसा नहीं, कुछ सामने बिल्डिंग में कोई रहती हो रहता हो तो आता था आकर्षण, देख देख के खुश भी होते थे. हाँ, लेकिन बड़ों को पता चल जाए ना, आम डोड़ा काढ़ी दे, क्या चल रहा है ये, चुपचाप बैठो, बैठ जाते थे चुपचाप. और फिर बड़े जो बता देते थे उसके साथ विवाह करके चले जाते थे, वो गया. हाँ, लेकिन कपास यानी दवा नोता पीता. टॉलरेंस था प्रिय सज्जन, आज के युग में टॉलरेंस नहीं है, क्योंकि परिणाम स्वीकार करने की तैयारी नहीं. आई हैव डन माई बेस्ट. Now with equal zeal, with equal positivity, with equal preparedness, I should accept the result. This shows the maturity of a person. और जैसा मैंने कहा, it may not be according to your expectation.
Remember, life will not go according to your plans. The world is not going to dance according to your tunes. People will have different opinions. They will act funny sometimes. Even if you are right, they will not follow you. उस समय विक्षिप्त होके नहीं चलेगा, रेस्टलेस बन के नहीं चलेगा, अपना काम एंड कंपोजर खो के नहीं चलेगा. एक्सेप्ट द फेलियर्स, इट हैपेंस. कृष्ण के जीवन में आई ये बात. पांडवों के विष्टिकार बन के गए, कहानी यदि आपको पता हो. दुर्योधन की सभा में गए कि दुर्योधन तो गलत कर रहा है. लॉजिकली, जस्टिफाइबली, द किंगडम बिलोंग्स टू द पांडवस. ये राज्य पांडवों का है, तुझे दे देना चाहिए. दुर्योधन ने कहा नहीं दूंगा. कृष्ण ने कहा कोई बात नहीं, चल आधा आधा कर ले, 50-50, आधा राज्य तू रख, आधा पांडवों को दे दे. दुर्योधन ने कहा नहीं दूंगा. बार्गेनिंग करते 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 श्री कृष्ण ने कहा देख, तूने जो खांडव प्रस्थ और ये सब जंगल का प्रदेश दिया था, उस पर पांडवों ने इंद्रप्रस्थ नगर बसाया और तूने द्यूत सभा में शकुनी के द्वारा अन्याय के पासे फेंक कर जो अधर्म से ले लिया है उनके पास जुआ खेलते समय, वो उनका राज्य तो उनको दे दे. तो दुर्योधन ने कहा वो इंद्रप्रस्थ का राज्य भी नहीं दूंगा. अल्टीमेटली श्री कृष्ण कहते हैं 5 गांव दे दे दुर्योधन. आई विल मेक श्योर दैट द वॉर विल नॉट टेक प्लेस. ये भी कोई बार्गेनिंग होता है. पूरा राज्य पांडवों का था और वो छोड़ते छोड़ते केवल 5 गांव पे आ गए. जैसे 100 करोड़ की प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट हो 2 भाइयों के बीच और कोई मीडिएटर को रखे. 100 करोड़ की प्रॉपर्टी जस्टिफाइबली तो उसकी है, लेकिन वो दूसरा लेके बैठा है. अब वो मीडिएटर करता जाके भी दे दे, अरे नहीं नहीं 100 करोड़ का पूरा तो नहीं दूंगा, ठीक है 50 करोड़ दे दे, वो भी नहीं दूंगा, 25 दे दे, वो भी नहीं दूंगा. अल्टीमेटली वो कहे 5,000 रुपया दे दे, चल मैं चला जाता हूं. कोई स्वीकार करेगा इसको? ये कोई नेगोशिएशन हुआ? ये कोई मीडिएशन हुआ? कृष्ण कहते हैं अर्जुन, दुर्योधन 5 गांव दे दे, और उसके लिए भी दुर्योधन मना करता है. महाभारत पढ़े प्रिय सज्जन आप, महर्षि व्यास के शब्द हैं, सुच्यग्रम नैव दास्यामि विना युद्धेन केशव. हे केशव, युद्ध के बिना तो मैं सुच्यग्रम, सुई की नोक जितनी जमीन भी नहीं दूंगा. आई विल नॉट पार्ट विथ अ लैंड इक्विवेलेंट टू द टिप ऑफ अ नीडल. बोलो, कृष्ण वॉज राइट? कृष्ण वॉज सेल्फलेस? वो अपने लिए तो आए नहीं थे, पांडवों के लिए आए थे, धर्म के पक्ष में थे, फिर भी उनकी बात दुर्योधन नहीं मानता है. कृष्ण रेस्टलेस हुए, कृष्ण अशांत हुए. बहुत ग्रेसफुली दुर्योधन की सभा से निकल गए. दिस टीचेस अस कि लाइफ में फेलियर्स भी आती है. हमारी बात सही हो फिर भी सामने वाला नहीं मानेगा तो ग्रेसफुली छोड़ देना आना चाहिए विथ अ स्माइल ऑन अवर फेस. दैट इज सक्सेस. Accept the result and be prepared for a better effort next time. ये जो सफलता के सूत्र हैं प्रिय स्वजनों, ये सारे सूत्र भगवत गीता से, रामायण से, श्रीमद् भागवत से निकाले हुए हैं आधुनिक युग के लिए, आप सभी के लिए. पुनश्च एकदा कहूं कि आज ये इंद्रशील यूनिवर्सिटी में आना हुआ, शास्त्र को लेकर आया हूं. और शास्त्र का अर्थ है, ये बहुत अच्छी बात है कि हम पूजा करते हैं, पुष्प चढ़ाते हैं, बट शास्त्र लिटरली मीन्स साइंस, और ये साइंस की भूमि है. आप लोग साइंस के मेंटालिटी से तैयार हो रहे हो. शास्त्र का अभ्यास करना, टाइम टेस्टेड विजडम का अभ्यास करना, दैट विल मेक योर लाइफ मच मोर सक्सेसफुल, मच मोर मीनिंगफुल, एंड यू विल बी द ग्रेट कॉन्ट्रीब्यूटर्स नॉट ओनली फॉर द स्टेट ऑफ गुजरात और द country of nation of India, but for the world. You will be the pioneers of a better tomorrow. My blessings are with you all. God bless you. एक बहुत अच्छी बात आपने
इस युवा वर्ग को समझाने की कोशिश की है और आई एम श्योर कि ये लोग उसको अपने जीवन में उतारेंगे और अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग करेंगे, मजबूत करेंगे मानसिक तरीके से. फिजिकल स्ट्रांगनेस इज अ डिफरेंट थिंग, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इज द मेंटल स्ट्रांगनेस, मेंटल स्ट्रेंथ. गुरुजी ने बहुत अच्छी बात कही, सक्सेस, नो सक्सेस कम्स विदाउट फेल्यूर्स, उसको साथ में रखना ही पड़ेगा. गुरुजी हमारे यहाँ रिसर्च बहुत हो रहा है और हम बच्चों को यही बोलते हैं कि रिसर्च में कभी फेल्यूर होता ही नहीं है. रिसर्च में हमेशा एक रिजल्ट तो मिलता है कि ये रास्ते पे नहीं जाना है, ये तो हमें पता चल जाता है. जब भी रिसर्च करते हैं तो एक चीज पता चलती है कि ये रास्ते पे नहीं जाना है, और या तो फिर वो जो कुछ दूसरा ही चीज बन गई उसका कुछ एप्लीकेशन ढूंढ लेंगे, लेकिन कभी फेल्योर नहीं होता है. सो आई एम श्योर कि ये मैसेज के साथ जब हम लोग अपनी लैब में जाएंगे, जब हम अपने घर पे जाएंगे, सोसाइटी में जाएंगे, अपनी पर्सनल लाइफ में देखेंगे, तो हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और ये मैसेज अपने जीवन में उतारेंगे. थैंक यू वेरी मच गुरुजी फॉर कमिंग टू दी इंद्रशील यूनिवर्सिटी एंड ग्रेसिंग अस. आज ये भूमि पावन हुई, बहुत अच्छा मैसेज मिला, बहुत अच्छे आशीर्वाद मिले और एक पॉजिटिव ऊर्जा जो यहाँ पे मिली है, सकारात्मक ऊर्जा, उसके साथ हम लोग आगे बढ़ने के लिए पूरा प्रयत्न करेंगे और निश्चय करते हैं कि निराश होने की कोई बात नहीं है. जो भी बात है वो नए रिजल्ट लेने की बात है, वो रिजल्ट का हम कैसे प्रयोग करते हैं वो हमारे ऊपर है. बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी ये मामले के लिए. थोड़ा सा बड़ा. ओम. प्रिय स्वजनों, मैंने समीर को इसलिए बुलाया, वो लास्ट में बैठा था, मेरा भतीजा है, लेकिन मैंने बुलाया एक खास काम के लिए. जो सक्सेस की बात हमने की, ही इज एमए विथ इंग्लिश, ही टीचेस इंग्लिश, स्पोकन इंग्लिश, राइट, ऑल्सो स्पोकन इंग्लिश. He was working with some educational institute as a professor. लेकिन ये सब कारणों से मैंने नहीं बुलाया उसको. मैंने जो कहा ना कि एक यूनिकनेस होनी चाहिए, क्लैरिटी ऑफ थॉट होना चाहिए. समीर ने शंखनाद के बारे में, टू ब्लो द कॉन्च, उसमें रिसर्च करके हाउ दिस कॉन्च ब्लोइंग कैन बी बेनिफिशियल टू बिगिनिंग विथ हेल्थ एंड देन mental development, intellectual growths, spiritual growths and overall well-being in life. उसके ऊपर पिछले 5-7 वर्षों से समीर ने इतना मेहनत की, इतनी रिसर्च किया है, and he is known not only in Gujarat or India but globally. Even foreigners follow him. Online उसके पास coaching लेते हैं. मैंने उसको पूछा कि शंख लेके आया, मैंने उसने कहा कि हाँ मैं ले आया हूँ. केवल 2 मिनट लगेंगे, he will blow the conch and you will feel those vibrations. मैंने इसलिए एक uniqueness, path breaking thing, जो कोई न करता हो, ऐसी कोई बात में आगे बढ़ करके जीवन में सक्सेस पाना. समीर, I proudly say that he is a role model for many people in life. Go ahead, Samir. આ જે પણ કંઈ આગળ વધ્યો છું ને એ તમારી સામે બિરાજમાન ગુરુજીના આશીર્વાદથી છે. હું નાનો હતો ત્યારથી જ બોમ્બે જતો અને એમના પાસે રહેતો અને ઉર્જા જે પ્રાપ્ત થઈ એના ઉપરથી આખું એક રિસર્ચ સ્ટડી ડેવલપ કર્યો છે. એવા પરમ વંદનીય परम पूज्य उपेंद्र भाई पंड्या, समस्त इंद्रशील यूनिवर्सिटी ना चांसलर, वाइस चांसलर, प्रोफेसर, स्टूडेंट्स एंड ऑल, सर्वप्रथम तो
આપણે બધા મોબાઈલ કાઢ્યા. મોબાઈલ કાઢશો પછી પૂજ્ય ભાઈ ચેનલ આવે છે. પૂજ્યશ્રીભાઈ, પૂજ્યશ્રીભાઈ, પી યુ જે વાય એ એસ એચ આર ઈ યુટ્યુબ પર બી એચ એ આઈ વન વર્ડ પૂજ્ય શ્રી ભાઈ પી યુ જે વાય એ એસ એચ આર ઈ બી એચ એ આઈ એને સબસ્ક્રાઇબ કરી દઈએ અને પછી બેલ આઇકન દબાવી દેજો એટલે જે પણ કઈ આ પ્રવચન પણ એમાં આવશે. આજે આજનું જે ટોક છે એટલે ઘરે જઈને તમારા બ્રધર હોય તમારા સિસ્ટર હોય એને આ પ્રવચન સંભળાવજો જેથી એ ક્યાંક એમને ઇમ્બેલેન્સ થયું હોય તો બેલેન્સમાં આવે એમના માઇન્ડસેટમાં. થેન્ક યુ. શંખનાદ કરું છું. આપણે એને બ્રહ્મનાદ કહીએ છીએ કે ઈશ્વરનો નાદ. બહુ લાંબો નાદ થાય છે મારો 2 મિનિટ અને 40 સેકન્ડ સુધી. અત્યારે હાલ હું થોડુંક નાનો નાદ કરીશ. થેન્ક યુ મહાદેવ. ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात् ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवेतुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्. ॐ नमः पार्वतीपतये. हर हर महादेव. हर ॐ આસન મુદ્રાઓ શોધેલી છે. આખે કેટલા પણ તમારા નંબર્સ વધતા હોય ને તો એ વધે પણ નહીં. આખું મેડિકલ સાયન્સ છે. હાર્ટ એટેક પણ ના આવે, લંગ્સ પણ પાવરફુલ થાય, કિડનીઝને પણ ડેવલપ કરી શકાય. બટ ગ્રેજ્યુઅલી પેનક્રિયાસ છે, ઘણાને ડાયાબિટીસ રહેતો હોય તો એને કેવી રીતે કંટ્રોલ કરી શકાય. પણ એની આખી એસઓપી છે, એસઓપી ને ફોલો કરવું પડતી હોય છે. લીવર છે, સ્મોલ ઇન્ટેસ્ટાઇન, લાર્જ ઇન્ટેસ્ટાઇન, આંતરડાના જે પ્રશ્નો છે એને પણ સોલ્વ કરી શકાય છે. પણ એના બધા નીતિ નિયમો છે, ઓલ રૂલ્સ એન્ડ રેગ્યુલેશન્સ વી હેવ ટુ ફોલો. એટલે બ્લાઇન્ડલી એને ફોલો ન કરવું જોઈએ, પણ એને આખા સજેશન્સથી આગળ આપણે વધતા હોઈએ છીએ અને ઘણા બધા આની ટ્રેનિંગ લેતા હોઈએ છીએ આ પ્રસંગે. અને કદાચ ઘેર ક્યાંક શંખ પડ્યો હોય ને તો થોડું નાદ શરૂ કરજો તો મારું અહીંયા આવેલું સાર્થક ગણાશે. અહીંયા આવીને ગુરુજી સાથે રહીને આપના બધાના દર્શન થયા એ માટે હું ઇન્દ્રશીલ યુનિવર્સિટીનો ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું. થેન્ક યુ. થેન્ક યુ. થેન્ક યુ મનીષભાઈ. આપ લોકોને બસ આપ લોકો લગા હોગા કે એ શંખનાદ કર દિયા. આપ લોકોને મેં ચેલેન્જ કરતા હું, આપ 10 સેકન્ડ કરકે દિખા દીજીએ ઘર પે. સિર્ફ 10 સેકન્ડ, જ્યાદા નહીં કરના હૈ.
10 सेकंड का शंखनाद करेंगे तो भी बहुत है आप लोगों के लिए अभी शुरुआत करने के लिए, और बहुत डिफिकल्ट है, उसके लिए भी बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो आगे बढ़ते आभार विधि की ओर आगे बढ़ते हुए मैं पूज्य श्री गुरु जी का बहुत बहुत आभारी हूँ और इंद्रशील यूनिवर्सिटी की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। गुरु जी आप आए हम लोगों के लिए, जो आपके वचनामृत यहाँ पे आपने किए और हम लोगों को जो मैसेज मिला तो उसकी इफेक्ट बहुत लंबे समय तक यहाँ रहने वाली है, और इसमें से कई लोग वो घर पे लेके जाएंगे, सोसाइटी में, पर्सनल लाइफ में मेंटल स्ट्रांग होंगे, अपनी लाइफ में सक्सेस करेंगे थैंक्स टू यू विद दिस मैसेज। क्योंकि कई बार जिंदगी में सिर्फ एक लाइन कोई आके बता दे पूरी जिंदगी बदल जाती है, और वो वाली बात यहाँ पे मैं देख रहा हूँ। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ इंद्रशील यूनिवर्सिटी की सारी टीम, एडमिन, अकाउंट, एचआर, फैकल्टी मेंबर्स, डीन्स, स्टूडेंट्स, प्यून्स, स्वीपर्स, गार्डनर्स, सारे लोगों का आभारी हूँ कि बहुत ही शॉर्ट टाइम में भी उन लोगों ने बहुत अच्छा सपोर्ट किया और आज यहाँ पे ये जो हमारा कार्यक्रम है उसको सक्सेसफुल बनाया। थैंक यू वेरी मच, खूब खूब धन्यवाद सर, थैंक यू। Thank you.